डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू हिंदी और हिंदी में क्रम के आपको आज आपको री की मात्रा। देखो स्टूडेंट्स, री की मात्रा का साइन ऐसे होता है और ये हमेशा वर्ण के नीचे लगती है। जैसे देखो, फर्स्ट क्या है री, ये तो लिखा ही हुआ है री शी, तो ये क्या है ऋषि। सेकंड देखो क्या है, ये हिरण, जिसे क्या कहते हैं मृग। ये जो वर्ड है ना बेटा, ये संस्कृत के अंदर ज्यादा यूज होती है। अब देखो म, म के इस पैर के नीचे ये जो साइन आएगा ये होगा री की मात्रा। तो इसमें आवाज कौन सी आती है, री, री बोलना है आपको, ये वाला री होता ऋषि है और इसको साउंड री की आएगी। जैसे ये क्या है मृग। नेक्स्ट है वृक्ष, व के साथ री बोलो, वृक्ष। गृह, कृपाण, कृषक, मतलब क के साथ री की मात्रा लगानी है और इसका उच्चारण में री की आवाज निकालनी है। जैसे ऋतु, ऋण, ऋषि, क्योंकि ये तो है ही री। अब इसकी मात्रा कैसे लगेगी, वो त के लगी है, त के री की मात्रा। तृण, तृण, तृण मतलब घास होती है। कृषि, गृह, कृषक। अब कृषक कौन है स्टूडेंट्स, किसान, जिसे संस्कृत में कृषक कहते हैं। कृष्ण, वृंदावन, इसमें देखो अनुस्वार भी साथ में आया है, वृंदावन एंड कृपा। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको ध्यान इसमें क्या रखना है कि री की मात्रा हमेशा ऐसे इस साइड में वर्ण के नीचे लगेगी और इसके उच्चारण में री की आवाज आएगी। इसके क्वेश्चन आंसर देखो नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट है कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। अब देखो ये पिक्चर किसकी है स्टूडेंट्स, किसकी है, ऋषि की। तो ऋषि लिखो, यहां से उठाने हैं आपको ऋषि, तो क्या लाइन बन गई, ऋषि आश्रम में रहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य डैश में रहते हैं, मनुष्य किस में रहते हैं, घर में, और घर को और क्या कहते हैं, गृह भी कहते हैं। तो ये रहा इसमें गृह, गृह मीन्स घर। नेक्स्ट है डैश वन में रहता है, कौन वन में रहता है, इसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, मृग, क्या कहेंगे, मृग। नेक्स्ट है कीड़ा डैश में रहता है, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो किस में रहते हैं, ये कि इसकी पिक्चर है घास की, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तृण भी कहते हैं। इनके दो दो नेम होते हैं ना जैसे, तो उसी तरह घास को तृण कहते हैं, हिरण को अमृत भी कहते हैं, घर को ग्रह भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है कृष्ण, तो कृष्ण कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो, वैसे तो इसके अंदर है लेकिन आप खुद भी लिखना सीखो, क को री की मात्रा, कृ, आदर्श और अण, कृष्ण। नेक्स्ट है कृष्ण कहाँ रहते हैं, कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। कहा जाता है बेटा कि कण, वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण निवास करते हैं। एंड डैश, नेक्स्ट है चिड़िया डैश पर रहती है, चिड़िया किस पर रहती है, तो पिक्चर किसकी है, पेड़, और इसे और भी किस नाम से बुलाया जाता है, पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है, तो वृक्ष। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो, कोष्टक में दिए गए अक्षरों को चुनकर शब्द पूरा कीजिए। आपको यहाँ से वर्ड उठाने हैं और एक एक शब्द पूरा करना है। फर्स्ट है ए डैश त, तो यहाँ से क्या लेंगे अपने, मृत, तो क्या बन जाएगा, अमृत, क्या होता है, अमृत। नेक्स्ट है क्री डैश, तो क्री के साथ क्या आ जाएगा, पा, तो क्या बन जाएगा, कृपा, इसे क्या बोलेंगे, कृपा। नेक्स्ट है डैश शी, तो क्या शी, ऋषि। नेक्स्ट है मृग, मृग के बाद क्या आएगा, देखो ग, क्या बन गया, मृग। एंड डैश श्ना, तो कृष्णा। एंड लास्ट है आपका पत, तो ये क्या बन गया, त्रित। ये आप अपनी नोटबुक में भी नोट करोगे। एंड नेक्स्ट पेज और देखो स्टूडेंट्स का, ये है मात्रा ज्ञान। अब जो मैंने आपको सारी मात्राएं कराई हैं, ये उनके आपकी रिवीजन है। जैसे फर्स्ट देखो,
क, अब ये किसकी मात्रा है, आ की, तो क को आ की मात्रा क्या बन गया, का। क को छोटी की मात्रा क्या बन गया, की। की, क को छोटे उ की मात्रा कु, बड़े उ की मात्रा कु, छोटे की मात्रा के और आई की मात्रा कई, को कऊ। उसी तरह नेक्स्ट आपको बनाना है ख, नेक्स्ट क्या होगा, खा, खी, खी, खु, खु, खे, खई, खो, खऊ। समझ आया, ख, खा, खी, खी, खु, खु, खे, खई, खो, खऊ। इसी तरह नेक्स्ट बनाते हैं च, च को अब किसकी मात्रा आ रही है, चा की, तो बोलो चा। फिर किसकी मात्रा है, ई की, ची। फिर बड़ी ई की, ची। फिर छोटे ऊ की, चू। फिर बड़े ऊ की, चू। फिर छोटे की, चे। फिर आई की, चई। फिर ओ की, चो। और फिर औ की, तो च को औ की मात्रा चौ। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ये पूरा पेज आपको साथ के साथ मात्राएं लिखना है एंड उसका उच्चारण भी करना है, क्योंकि मात्राओं का सही उच्चारण होगा तभी सही से हिंदी रीड होगी। थैंक यू।